न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं मंदिर, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा होगा, हमने जैसे कि आपको बताया था कि वहां पे एक दशहरा सेलिब्रेशन होने वाला है, तो आज हम उसी को ही अटेंड करने जाने वाले हैं। तो हम बस कैच करेंगे फिर जाएंगे, अभी हमने ब्रेकफास्ट करेंगे तो फिर चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइस देखिए अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। आज मम्मा ने बनाई थी स्माइलीज, तो ये हम स्टोर बाय करके लाया था, अभी हमने फ्राई कर लिया और सॉस भी ले लिया साथ में, तो चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, अभी मंदिर के लिए निकल रहे हैं, तो अभी हम लोग बस स्टॉप पे हैं, हम वेट कर रहे हैं बस का, तो फिर जब बस आएगी जब बस से जाएंगे। अभी देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, अभी धूप भी निकल रही है थोड़ी सी, थोड़ी गर्मी भी हो रही है, अभी ठंड तो है ही लेकिन अब थोड़ी सी गर्मी हो रही है क्योंकि धूप निकल रही है, तो एकदम प्रिटी वेदर हो रहा है। गाइस हमने एक चीज नोटिस की, जैसे देख रहे होगे आप यहाँ पे ना -7 टेम्परेचर हो रहा है अभी, और सन निकल रहा है, धूप अच्छी हो रही है, तो आज उतनी ठंड नहीं लग रही है। जबकि आपको याद होगा जब हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था संडे के दिन जब हम लोग जा रहे थे, -2 और -1 के आसपास टेम्परेचर था, बट हवा बहुत तेज चल रही थी, क्लाउडी वेदर हो रहा था, उस वजह से ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी उस दिन। आज कंपेरेटिवली माइनस में टेम्परेचर ज़्यादा है बट ठंड उतनी नहीं लग रही है। दैट मीन्स कि अगर सन निकल रहा है ना और आप हवा नहीं चल रही है, तो आप मतलब काफ़ी हद तक यहाँ पर अच्छा फील कर सकते हो। आज मज़े ले रहे हैं हम लोग इस अच्छे टेम्परेचर का, अच्छे वेदर का। ये गाइस देखो बस आ गई है, अभी हम लोग इस बस को बोर्ड करेंगे और जाएंगे दशहरा देखने के लिए। सो गाइस हम लोगों को पता है कि इंडिया में कैसे दशहरा बनता है, हम लोगों ने वहाँ पे ये चीज एक्सपीरियंस करी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कनाडा में कैसा बनेगा, तो चलो देखते हैं यहाँ पे आज कैसे होता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। गाइस जब लास्ट टाइम लोग यहाँ आए थे मंदिर पर, तो उसके बाद से ही स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी, और उसी वीक के अंदर इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, हम लोग सोच रहे थे कि अगर आज यहाँ पर हम लोग आए हैं दशहरा सेलिब्रेट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है रावण को तो दहन करना ही पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा। यार मंदिर में अंदर तो कोई नहीं जलाएगा, बाहर अगर स्नोफॉल हो रही होगी ना फिर कैसे करेंगे। बट टचवुड यार, मतलब आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, स्नोफॉल है और ऐसी ज़्यादा बहुत ज़्यादा विंड भी नहीं है कि मतलब बहुत ठंड लगे, तो मतलब बड़ा अच्छा एकदम से ऐसा संयोग बन गया है कि हम लोग दशहरा सेलिब्रेशन को मतलब बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो पहुंचने वाले हम लोग अभी मंदिर के पास में, देखते हैं कि जल्दी से जल्दी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। ये देखिए गाइस रास्ते से ऐसे दिखाई देता है मंदिर, बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर एकदम। गाइस मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे पार्किंग भी है, अभी देखो बाहर सड़कों पर भी ना साइड में रोड के लगा रखी है गाड़ी, इसका मतलब काफ़ी लोग आए हुए हैं आज यहाँ दशहरा सेलिब्रेशन के लिए, जो बहुत अच्छी बात है। लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, बहुत अच्छी बात है गाइस। चाचा श्री उठिए, हमारी लंका संकट में है। मंत्री चक्रो चाचा श्री को उठाइए। बाढ़ से युद्ध प्रारंभ हो रहा है अंतिम, वेदनाथ का वध करेंगे लक्ष्मण जी, शेषावतार लक्ष्मण। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। यूनिफॉर्म्स और ड्रेसेस यहाँ पर आपके मंदिर में पहुंची, बहुत बहुत धन्यवाद श्री शिव कुमार शर्मा जी का। सो गाइस अभी हम लोग अंदर से बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए अब रावण दहन होने वाला है अभी जल्दी, और वहाँ पे भी देखिए एक को वहाँ पे लेके आ रहे हैं। ओम
सिर रूपी कमल को काट काट कर शिव जी को अर्पित किया और कठिन तपस्या करके त्रिपुरी से अमृतत्व का वर पाया है, इसलिए इसका सिर पुनः कट करके फिर से उग जाता है। हम इसकी नाभि में बाण मारकर इसकी नाभि में जमा अमृत सुखा दें, तभी मरेगा दशाने। जय श्री राम। गाइज आज हम लोग मंदिर गए थे दशहरा सेलिब्रेशन देखने के लिए, तो मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था वहां पर इस सारे मोमेंट के ड्यूरेशन में, क्योंकि बार बार वो सारी झांकियां आ रही थी वहां पर, राम जी आ रहे थे कभी, फिर हनुमान जी आ रहे थे, फिर वहां पे कुंभकर्ण का वध और मेघनाथ का वध, ये सारी चीजें हुई एकदम से, जैसे कभी कभी ये चीजें हमने इंडिया में देखी बिल्कुल वैसे वाला मोमेंट था। तो एक ऐसा कनेक्शन वहां पे जुड़ गया था बिल्कुल जैसे मैं अपने देश में बैठा हुआ हूँ, उस तरह का एकदम इमोशनल मतलब मेरे अंदर टच चल रहा था। और फिर बाहर जब हम लोग पार्किंग में आए वहां पर हमने फिर रावण का वध देखा, भाई मतलब वो चीज तो ऑसम थी। कनाडा में रह करके तो मतलब मैं ये चीज कभी बिलीव कर ही नहीं सकता था कि ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। सो बहुत शानदार था गाइस, आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा हम लोग का। सो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, और यहाँ पे तो मेरा बहुत ज्यादा ही जबरदस्त यूनिक एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे कनाडा में भी दशहरा सेलिब्रेशन हो सकता है। तो ये चीज तो मैंने पहली बार मतलब सुनी, देखी, एक्सपीरियंस करी और इतना ज्यादा मजा आया हमें वहाँ पे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पे भी ये चीजें हो सकती हैं। तो यस गाइस यहाँ पे भी चीजें पॉसिबल हैं, हर किसी जगह कोई भी कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, हर चीज के लिए सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे भी ये यूनिक एक्सपीरियंस पाके मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।